के साथ में बातचीत करने का डर कैसे निकालें, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। देखो क्या होता है कि काफ़ी लोगों को ऐसा डर लगता है किससे बात करने के लिए। वो आदमी सुपीरियर हो, अथॉरिटी हो, साहेब है या कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके साथ में बात करने के डर लगता है, क्योंकि कुछ तो भी पीछे हुआ है पास में, उसने अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया या कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया या गुस्सा कर लिया, तो फिर उसके साथ में बातचीत करने में घबराहट हो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा सभी के बारे में आपके दिमाग में ऐसा होगा, कुछ कुछ लोगों के बारे में तो बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं ये ऐसा है, ये मुझे इंसल्ट करेगा, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं बोलेगा, ये मुझे आर्ग्यूमेंट करके मुझे नीचे गिराएगा, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में ऐसा होता होगा। ठीक है, तो फिर क्या है? तो देखो, आपने जब बात किया कोई व्यक्ति के साथ में, तो व्यक्ति का मूड ठीक नहीं होगा, वो व्यक्ति का मूड ठीक नहीं होगा, उसने आपको उल्टा पुल्टा जवाब दिया होगा या गुस्सा किया होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो हरदम ही ऐसा व्यक्ति करता है, मगर आप क्या करते हो कि आप हरदम के लिए दिमाग में बैठा लेते हो कि नहीं नहीं वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है, और फिर बातचीत करने में आपको घबराहट होगी, आप आगे पीछे करेंगे, आप सोचेंगे 10 बार की बात करना कि नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को समझाना है कि भाई कोई भी व्यक्ति के साथ में मैं बात कर रहा हूँ और मुझे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो क्या ये बार बार वो व्यक्ति के साथ में हो रहा क्या? नंबर एक, नहीं बार बार तो नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है। तो फिर कौन से व्यक्तियों के साथ में होता है और वो क्यों चालू हो गया? तो मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? क्या मैं अपने आप को बहुत ही घिना व्यक्ति समझता हूँ, बहुत कमजोर व्यक्ति समझता हूँ? क्या मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन है? ऐसा तो नहीं है, ये तो मैंने कहानी बना के रखी है मेरे बारे में कि नहीं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं मुरूक्कू, मेरे को इतनी अक्ल नहीं, मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है। एक तो मैंने ऐसी मेरी प्रतिमा बना के रखी हुई है, स्व प्रतिमा, और फिर ये निकालना है, ये निकालना है तो फिर क्या करना होगा? ये निकालना है तो मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि नहीं एक व्यक्ति के साथ में हुआ है, सबके साथ में ऐसा नहीं हुआ है, मैं फजूल घबरा रहा हूँ, ऐसा संभव नहीं है, मैंने घबराहट जो ला के रखी है वो पीछे से पाँच से कुछ तो भी हो गया वहाँ से है, अभी मैं नए सिरे से बातचीत करूँगा। और आपको डर निकालना ही है तो आप काफ़ी लोगों से बातचीत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करो। जब आप ऐसा लोगों से बातचीत करेंगे, सभी लोग तो आपको उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देंगे ना, पॉसिबल नहीं। समझो आप 50 लोगों से बातचीत करते हैं, हो सकता है कि 40-45 लोग आपसे अच्छी बात करेंगे, 2-3% लोग तो वैसे भी कहीं भी आप जाओ खराब रहती है, वो तो आपको उल्टा बोलेंगे, कुछ तभी कमेंट पास करेंगे, आपको नीचा बताएंगे, कुछ तभी तो होगा। तो फिर आपको 40-45 लोग यदि 50 में से आपको अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति के साथ में ऐसा डर बिठा के रखा हुआ है, इसलिए मैं उनके साथ में फ्रीडम नहीं हूँ। हो सकता है कि पिताजी है, उनके साथ में फ्री नहीं हूँ, हो सकता है कि ग्रैंडपा है, दादाजी, नाना जी है, मामा, काका, जो भी लोग हैं, या कोई अधिकारी व्यक्ति है, या कोई अपना बॉस है, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा एक दिमाग में ला के रखा हुआ है कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ। तो ये बाजू में रखिएगा, एक्शन लाओ, बार बार जब एक्शन करेंगे तो आपको डेरिंग आएंगी और आप बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार जब करेंगे तो आपको डेफिनेटली डेरिंग आ जाएंगी, आपका डर निकल जाएगा और आप अच्छे से कोई भी काम कर सकोगे। तो कहीं भी आपको ऐसा लगता है डर है, बातचीत करने में डर है, एक्शन लो, बार बार बात करो, वही व्यक्ति से बात करो, अलग अलग व्यक्तियों से बात करो, आपका डर निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।